अप विद दोस ग्रेनेड्स। बच्चू महाराज यहां पर अभी के लिए क्या जॉनसन को डाउन कर पाएंगे, बहुत दूर है, बहुत दूर है। बट आई वुड से क्लच गॉड बहुत ज्यादा नजदीक है, नियो यहां पर बहुत ज्यादा नजदीक है, टीम आईएनडी लोअर रिच पर है, ग्रेनेड यहां पर आएगा पीछे चला जाएगा, बट नियो की तरफ भी नेड आएगा वो भी पीछे चला जाएगा। 2v2 की फाइट, क्लच गॉड नियो वर्सेस स्लेयर एंड आतंकी। ऑनिक्स यहां पर अपनी AWM से HVBN के एक प्लेयर को डाउन कर देंगे, लाइक ऑसो भी पीछे से आ जाएंगे अपनी गाड़ी से। चौथा जो प्लेयर है टीम आईएनडी क्रोटॉस वो पीछे से एडीएस कर पा दे रहे हैं। सी गॉड यहां पर गाड़ी लेकर अपने प्लेयर्स को डिस्टेंस कर पा देने के लिए आगे जरूर जाएंगे। जी गॉड एक बहुत ही अच्छा फ्लैंक यहां पर डालते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए जी गॉड का फ्लैंक, देखिए क्रोटॉस का फ्लैंक, देखिए ये तो फ्लैंकर वर्सेस फ्लैंकर की फाइट बन सकती है, सामने 2v2 की फाइट बन सकती है। सी गॉड माइट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल विद दैट ऑफ गार्ड एंगल, इफ यू प्रोवाइडेड एनफ ओपनिंग देन इट विल बी अ लॉट मोर इजियर फॉर TSM टू कवर अप दिस फाइट, व्हिच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर देम टू कैपिटलाइज दिस फाइट फॉर दिस इवेंट विक्ट्री। डोमिनेटर कप कौन जीता? गॉडल, गॉडल, गॉडल। लाइक ऑस्टोप की तरफ ग्रेनेड जा रहे हैं, जी गॉड के पास अलग लेवल की 1v2 की फाइट है, वहां पर 2v2 की फाइट चल रही है। एरियल व्यू के चलते कौन निकालेगा पहली ओपनिंग, जी गॉड यहां पर थोड़े से खतरे में आ सकते हैं बिकॉज यहां पर इनको अकेले 1v2 करना पड़ेगा। जॉनाथन पीछे से एडीएस कर फायर जरूर देंगे, वो अकेले यहां पर बचेंगे जरूर, बट अब उसे क्रोटॉस और जी गॉड की 1v1 की फाइट पहले इनिशिएट होगी या फिर लाइक ऑस्टोप की थ्रोबल्स का यहां पर लगातार इस्तेमाल कर दिया जा रहा है। वेस्टर्न एरिया से आपसे TSM एंटिटी जी गॉड की तरफ पीछे से क्रोटॉस आने वाले हैं, राइट हैंड साइड पर इनका विजन है, बट आई वुड से यहां पर निकल कर चले जाना इनके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियरी हो सकता है बिकॉज 1v2 की फाइट आएगा। ग्रेनेड बगी का इस्तेमाल करेंगे, TGB के अंसर यहां पर अभी के लिए नॉक आउट कर दिए जाएंगे, ऊपर से कूद के नीचे जा सकते हैं। नियो यहां पर 1v2 करके जा सकते हैं, यस आई थिंक इट इज इट, वाओ यहां पर कर कर जाएंगे, नियो यहां पर लेकर जाएंगे कुछ बढ़िया से किल्स। एंड ये लीजिए नियो ने यहां पर अपना पूरा जो कंधे पर अपने इस टीम को लेकर गए एंड पूरी जो फाइट थी उसका जो जिम्मा था इन्होंने अपने कंधों पर उठा लिया। बैंक के प्लेयर्स भी यहां पर मिड रेंज में इन्वॉल्व हो जाएंगे, लाइक ऑस्टोप को भी डाउन कर देंगे, क्लच गॉड यहां पर कर जाएंगे 3 किल्स, 1v3 कर चुके हैं पर TSM एंटिटी को मिलेंगे किल्स।